हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा ब्लॉग। और आज हम बना रहे हैं टोमेटो केचप। टोमेटो केचप बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 किलो टमाटर। इस टाइम टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही सस्ते भी आ रहे हैं। और ये टमाटर लिए हमने सलाद वाले टमाटर, और ये लिए हैं थोड़ी लाल मिर्च, ये भी इस टाइम बहुत ही अच्छी आ रही है। और कुछ ये लाल मिर्च हमारे घर में लगी हुई है। और ये लिए 15-20 लहसुन की कलियां, और ये एक लिया है अदरक का टुकड़ा। और टमाटरों को हमने अच्छे से धुल लिया था, और धुलने के बाद इनका आगे वाला जो पार्ट है उसको हम हटा देते हैं। अब सारे टमाटरों को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। ये देखिए, सारे टमाटरों को हमने काट लिया है, और ये लाल मिर्च है इनको भी हम काट लेते हैं। लाल मिर्च भी हमारी कट गई है, और अदरक को भी हमने काट लिया है। और ये ली है हमने गरम मसाला, जिसमें है 7-8 लौंग है, 7-8 काली मिर्च है, और ये एक है दालचीनी का टुकड़ा। अब हमने लिया है एक भगोना, और जो हमारे कटे हुए टमाटर हैं वो सारे इस भगोने में डाल देंगे, और साथ ही जो लाल मिर्च हमने काट कर रखी थी वो, लहसुन, कटी हुई अदरक, और जो गरम मसाले हमने लिए थे वो भी इन्हीं के साथ ही डाल देते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब ऊपर से डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने टमाटरों के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके टमाटर ज़्यादा जूसी हैं तो बहुत ही कम पानी डालना है, और अगर आपके टमाटर कम जूसी हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना। अब 20-25 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन बीच में एक दो बार इनको चेक जरूर करेंगे, और थाली से कवर कर देते हैं। अब 20-22 मिनट के बाद एक बार हम टमाटरों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, करछी से दबाने पर अच्छे से दब रहे हैं। तो गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, और टमाटर को छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ये टमाटरों का मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें से जो गरम मसाले हमने डाले थे वो सारे निकाल देंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर इसमें आ चुका है। और इसको डालेंगे हम एक मिक्सर जार में, क्योंकि हमें करना है इसको ग्राइंड। ये देखिए, मिश्रण हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इसको हम एक छलनी से छान लेंगे, ताकि जो भी इसमें कचरा है वो सारा ऊपर छलनी में रह जाए। टमाटर के छिलके हैं, मिर्ची के बीज हैं, ये देखिए सारे ऊपर छलनी में रह गए हैं। और ये पूरा मिश्रण हमारा कितना स्मूथ सा बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमने न तो कोई बीटरूट डाली है, और न ही कोई कलर डाला है, क्योंकि हमारे टमाटर इतने कलरफुल थे, ताकि इनका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब एक लेते हैं हम कढ़ाई, और टमाटर का सारा जूस हम डालेंगे इस कढ़ाई में। 2 चम्मच डाल रहे हैं हम सादा नमक, 1 चम्मच डाल रहे हैं काला नमक। और 2 किलो ये टमाटर थे, तो 300 ग्राम के करीब हम डाल रहे हैं इसमें चीनी। अगर आपके टमाटर ज़्यादा खट्टे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और 1 डाल रहे हैं हम वाइट विनेगर, जिससे कि यह साल भर तक खराब ना हो। और 20 मिनट तक इसको पकने देते हैं। और विनेगर डालने से होता क्या है, एक तो ये साल भर तक खराब नहीं होगा, और दूसरा इसका टेस्ट है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। अब 20 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसको डालते हैं हम एक प्लेट में। ये देखिए, इसके चारों तरफ से पानी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी पका नहीं है। अगर ये पक जाएगा तो ये पानी इसमें से रिलीज नहीं होगा। तो इसको 5 मिनट के लिए हम और पका लेते हैं, और 5 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए, इस बार इसमें गाढ़ापन भी ज़्यादा है, और इसमें से पानी बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक गया है। तो गैस का फ्लेम कर देते हैं हम बंद, और इसको छोड़ देते हैं हम ठंडा होने के लिए। केचप हमारा ठंडा हो गया है, और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो आप देखिए कितना कलरफुल, वो भी बिना कलर के और बिना केमिकल के।
स्मूथ सा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इसको आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। अब इसको हम एक शीशे के जार में भरकर रखें और साल भर तक घर के बने हुए टोमेटो केचप का मजा लेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।